मैं सरदार सुखपाल सिंह खैरा जेडे कि सरकार दियां बधीकियां कारण अज नाभा जेल च है उन्होंने मिलके आया। हालांकि बहुत प्रेशर है उन्होंने, बहुत ज़्यादा उन्होंने तंग किया गया पिछले दिनों, पर फिर भी वह बिल्कुल मर्दा की तरह उन्होंने मनोबल बहुत अच्छा है। तो मैं इस गल चंगा लग्या कि वह मनोबल उदा अच्छा है। ये जिहड़ा इन पर केस बनाए जा रहे है या बनाया गया है, ये टोटली एक वेंडेटा है। हर तरह के नाल उसकी आवाज़ नू और लोगों की आवाज़ नू जिहड़ा दबाउण दी एक बहुत बड़ी साजिश और कोशिश है, और बड़ी तकड़ी साजिश करके इन्हां नू फसाया गया है। तो मैनू ये भी खदशा है कि आने वाले दिनों के होर भी केस ये पाए जाएंगे, क्योंकि साडा कुलबीर सिंह जीरे नू फड़िया होया सी, वो निकल लग्या एक होर केस पाता, हुण इहदी जमानत होण लगेगी तो होर केस पाउणगे। ये सरकार इस तरह चल रही है, तो इस तरह इन्होंने करते रहना धक्काशाही। तो कांग्रेस पार्टी और हर पंजाब का बंदा इस गल नू समझदा है कि यह सारा कुछ लीडरशिप नू खत्म करने वास्ते किया जा रहा है, विरोध नू दबाउण वास्ते किया जा रहा है। तो पंजाबियों नू दबा के राज करन दी जिहड़ी कोशिश है वह आम आदमी पार्टी पंजाब दे विच कर रही है। ये अज मैं इत्थे जाके जदों आया तो मैं सारे पंजाबियों नू कहना चाहुंदा कि ये जिहड़ी धक्केशाही दी राजनीति हो रही है, ये कोई भ्रिष्टाचार खत्म करन दी राजनीति नहीं है, ये कोई क्राइम खत्म करन दी राजनीति नहीं है। ये पंजाब दे विच्चों जिहड़े चोणवें बंदे है, जिहड़े विरोध करदे है, जिहड़े इनकलाबी है, जिहड़े पंजाब दी गल करदे है, जिहड़े इन्हां दीआं कुरीतियां नू दर्शाउंदे है, जिहड़े इन्हां दी लुट नू सामने करदे है, उन्हां दे परचे करदे है। ये आने वाले दिनों होरां ते भी होणगे, साडे ते भी होणगे, लेकिन असीं पंजाब दी आवाज़ नू बुलंद रखणा है। तो मैं पंजाबियों नू कहना चाहुंदा कि अजिहे बंदे जिहड़े सुखपाल खैरा वर्गे है इन्हां दा साथ दो। अकाली दल ते विशकंजा कहिंदा बंटी रमाणा नू भी गिरफ़्तार कीता गया। देखो बंटी रमाणा क्या गल है जिहड़ी गल च फड़िया, उह बिना मतलब मैं उही तां कह रिहा, इही गल मैं उरे कह रिहा सी। देखो चाहे बंटी रमाणा होवे, चाहे कुलबीर जीरा होवे, चाहे कोई पत्रकार होवे, ये जिन्हें परचे किए जा रहे सारी धक्काशाही है। पिछलियां सरकारां च इत्थे पंजाब च इदां दा रवाज नहीं रहा, सरकारां बड़ियां आईयां ते आउंदियां रहणगियां, इन्हां दी भी चले जाणी है एक दिन, लेकिन रावण वर्गे दा राज भी नहीं रहा। इस करके इन्हां नूं ये समझ लेनी चाहीदी है कि इस तरह पंजाबी दबदा नहीं हुंदा, ते ना ही दबाउण दी कोशिश करनी चाहीदी है। धन्यवाद। ओके थैंक यू। भगवंत मान एक तरीके नूं डिबेट कर रहे ने, तुसीं जाओगे बीजेपी दा करे असीं जावांगे। देखो कल एक बहुत अच्छी डिबेट और सैमीनार पंजाब यूनिवर्सिटी च होया, उहदे विच पंजाब दे हालात है जिहड़े SYL नूं लेके उहदे ते गल होई है। उत्थे कांग्रेस ने की कीता, बीजेपी ने की कीता, ये भी गल्लां होईयां, ते अग्गे नूं उहदा हल कढ़न दी कोशिश कीती गई है। ते आ जिहड़ी डिबेट है ये तो तू तू मैं मूहों तू ही बिना मतलब ते जिस तरह गली दे विच खड़ के लड़ी जांदे है पिंडां च कई बार बंदे या जनानियां, वो काम हो रहा है, इहदी क्या लोड़ है बई। भगवंत मान भाई साहब जी गल सुणो कि जिन्ना कुछ पहला ये कह सकते सी पिछलियां सरकारां दे खिलाफ जिन्हां ने कह लिया, लोगों ने सुन के इन्हां नूं राज देता, हुण इन्हां ने राज करके पंजाब दे मसले हल करने है, ना कि तू तू मैं करनी है एक दूजे नूं थापियां मारनियां कि आ जा मैं तैनूं देख लवांगा। ये तो भलवाना वालियां थापियां आपस च मारी जांदे अपने आप नाल, हुण कादी लड़ाई है, लड़ाई हरियाणे दे नाल है, राजस्थान दे नाल है, या पाणियां दी है, इकट्ठे हो के पाणियां दी लड़ाई लड़ना चाहीदा। मैं भगवंत मान जी नूं भी बेनती करना चाहुंदा कि आ जिहड़ी बिना मतलब ते इन्हां ने लुधियाणे दे विच अखाड़ा लगाया, ये आपस दे विच अखाड़े लगाउणे बंद करो, पंजाब दे बारे सोचो ते हल कढ़न दी गल करो, ना कि एक दूजे नूं ठोकण दी गल। स्पष्ट नहीं कीता वी पंजाब दा पाणी पंजाब तों बाहर नहीं जावेगा, की स्पष्ट करना चाहीदा मुख्यमंत्री नूं, हल तक खुले तौर ते नहीं कह सके जिस तरह कांग्रेसी अकाली कह रहे ने। देखो तुहानूं नहीं पता लग्गिया होणा कि आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट नहीं कीता या कीता, मैं तुहानूं दस्सदा कि आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कर दिता है सुप्रीम कोर्ट दे विच। ये सुप्रीम कोर्ट दे जज दी जजमेंट दे विच आया है कि उन्होंने कहा कि पंजाब का यह स्टैंड है कि पंजाब कहिंदा साडे पास पानी घट है, इस करके हरियाणे का भी घट हो गया, तुसी SYL ना कढ़ो, पानी होर तरीक़े दे नाल ले लो।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਗਏ, ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਨਹਿਰ ਜਾਂ ਨਾਲਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਨਾਲੇ ਪਲ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।